नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज हम लोहारू के नज़दीक एक एरिया पड़ता है जहां पर एजुकेशन हब बनने जा रहा है। महेंद्रगढ़ हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चित एक सूबा का जो हिस्सा बन चुका है, उसके साथ साथ ढिगावा क्षेत्र भी स्कूलों के मामले में, पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं रहा है। यहाँ के बच्चे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में नाम अपना लेके आते हैं, चमकाते हैं अपने माता पिता के साथ स्कूल्स का नाम। तो आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ रुक गए क्योंकि एक स्कूल है और वहाँ पर कुछ लोग स्कूल के आसपास के जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए हमें नज़र आए। हम गुजर रहे थे इस रास्ते से, आपको दिख रहा है ये हाईवे है जो दिल्ली पिलानी का। तो आज बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और उसके साथ साथ आज बात होगी यहाँ पर शिक्षा से दूर होता स्टूडेंट। तो शुरुआत में यहाँ पर बैठे हैं राजवीर दहिया जी, एक बार इंट्रोड्यूस करवा दें आप भी खुद। आर्य स्कूल से, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं कर्ण सिंह गोटला जी। नमस्कार जी। और जी जी, उसके साथ साथ आपने बताया थोड़ी देर पहले, मैं हरियाणा स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन का संरक्षक भी रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों में रिटायर हुआ था। हमारी एसोसिएशन का टाइम पीरियड हुआ नहीं है तो मैं सरकारी विद्यालयों से जुड़ा रहा हूँ। जो भी चर्चाएं हमारी आपस में चल रही थी फिर उसके बाद हम शेयर करेंगे। हमारे साथ सांगवान साहब हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, प्राचार्य हैं ये। सर आप भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। सर नमस्कार जी, मैं जोगिंदर सांगवान भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला सचिव हूँ और यहाँ पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं कुछ शिक्षा के ऊपर डिस्कस करने के लिए, शिक्षा के ऊपर चर्चा करने के लिए जी। यादव साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी चर्चा रहेगी और आज इन्हीं के स्कूल में बैठे हैं। बड़ी बात ये है कि आज ये होस्ट हैं। नमस्कार, मैं जी निशी सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल जी। एक और बार पूरा नाम जो पब्लिक देख रही भिवानी की। हाँ, आपको मेरा नाम राजेंद्र सिंह यादव है और डिगाव में स्थित जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं जी। और आज हम यहाँ पर जो है बैठे थे और लोहारू से आप प्रधान भी हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान जी। आज जो चर्चा इनके साथ रहेंगी वो शिक्षा का गिरता स्तर है और उसका बड़ा कारण जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो बता रही है कि कोविड के कारण बच्चों का जो ग्राफ गिरा है और लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं स्कूलों तक। ऑनलाइन शिक्षा पर भी बात होगी। काफ़ी दिन पहले हमने खंड शिक्षा अधिकारी जो पूर्व में रहे हैं उनसे भी बातचीत की थी, कर्ण सिंह गोटला जी। तो इन्होंने बताया था कि क्या कारण और किस कारण से क्या है, उसके कौन से हैं, क्या प्रोस हैं, क्या फ़ायदे मिल पाएंगे ऑनलाइन शिक्षा के। आज वो सरकार की तरफ से भी बोलेंगे या देखेंगे किस प्रकार के उनकी जो आज चर्चाएं रहती है। उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल के जो प्राचार्य हैं, संचालक हैं, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। तो जोगेंद्र जी, मैं आपसे बात करूँगा, कल आपकी सोमवार को यानी कि एक मीटिंग है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके बारे में क्या है? हमारी सोमवार को भिवानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से पूरा हरियाणा की स्तर लेवल की मीटिंग है जिसमें कई अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारे साथ जो एसएलसी वाला मुद्दा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें ये कर दिया गया है कि बगैर एसएलसी के कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से आना चाहे तो बिना एसएलसी के आ सकता है, जिससे हमारी फीस है वो भी मारी जा रही है। दूसरी बात स्कूल खोलने के ऊपर है कि 1 जुलाई से हमारे जो जितने भी स्कूल हैं वो खोले जाएं, तो इन सभी मुद्दों के ऊपर कल चर्चा होगी और कल भिवानी में इस मुद्दे के ऊपर मीटिंग भी है जी। मैं यादव साहब आपसे बात करना चाहूँगा, एसएलसी वाली बड़ी बात प्राइवेट एसोसिएशन रोज़ाना न्यूज़ में भी हम देखते हैं, बड़ी बात है क्योंकि 12 महीने की जितनी पूंजी होती है कई बार जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल होते हैं वो एक साथ लेते हैं और लास्ट एंड तक वो मतलब पैसे उनके आते नहीं हैं। और अब बच्चा प्राइवेट स्कूल को छोड़ के या जहाँ वो पहले पढ़ रहा था उसको छोड़ के वो अब सरकारी स्कूल की तरफ जा रहा है, तो इससे कितना नुकसान होगा? इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान है स्कूलों को क्योंकि गांव के लोग जो है फीस फसल के टाइम पे देते हैं और वो हमारी जो है पेंडिंग रहती है। और अब लॉकडाउन की वजह से 2 साल हो गए, हमें जो है ना फीस वगैरह मिल नहीं रही, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है स्कूलों को।
और अब ये जो SLC वाला नियम किया है गवर्नमेंट ने कि बगैर SLC के आप सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे तो जो है बहुत ज़्यादा मोटी जो है निचोट प्राइवेट स्कूलों को लगेगी और सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बड़ी रीड होती है किसी भी संस्था की, किसी भी वजह जो चल पाती है वो आज के दिन अर्थ के बिना, इकोनॉमी के बिना नहीं चल पाती। क्या मानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जोगिंदर जी ने कहा कि SLC वाले मुद्दे के कारण स्कूलों की ये माने कि रीढ़ सी टूट गई है क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो आगे किस प्रकार से पढ़ पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य के नाते के बीच में जो गैप आ रहा है कहीं ना कहीं, उसमें पेरेंट्स का भी एक बड़ा रीज़न ये है कि लोगों की जॉब छूटी है, लोगों का जो भी बिजनेस है वो धीमा पड़ गया कोविड के कारण, इस कारण करके भी अब लोग सरकारी स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेज रहे हैं और पैसे जो रुके हुए हैं प्राइवेट स्कूल के, चाहे 12 महीने की बात करें 6 महीने के, तो वो कैसे लौट पाएंगे, क्या मंशा है, क्या चल रहा है आप सबके दिमाग में? उसके लिए भी प्राइवेट स्कूल जो है ना, जो व्यक्ति कोविड से प्रभावित है इस दौरान उसका जॉब छूटा है तो प्राइवेट स्कूल ने उसको ध्यान में रखते हुए उसकी फीस भी कुछ लेस किया है जिससे दोनों में कम्बिनेशन बना रहे हैं। दूसरा, भाईचारे की जहाँ तक बात आती है, जब भी कोई भी व्यक्ति कोविड के अंदर इस तरह से जॉब जिसने छोड़ा है उसके लिए प्राइवेट एसोसिएशन ने भी और प्राइवेट स्कूलों ने भी सभी ने मिलकर के फैसला लिया था कि इनको जो कुछ राहत दी जाए। जी, खंड शिक्षा अधिकारी रहे हैं कर्ण सिंह जी, आपसे बात करूंगा, बड़ा मुद्दा है SLC वाला, सरकार ऐसे फैसले ले तो लेती है लेकिन भुक्तभोगी उसके जो धरातल पर काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं। इन प्राइवेट स्कूल आज बैठे हैं आप और यहाँ पर संचालक हैं, प्राचार्य हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे, इनका दर्द कौन समझेगा, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि 12 महीने इन्होंने सैलरी भी दी है स्टाफ को, टीचर्स को भी दी है और भी दूसरे खर्चे होते हैं, बड़ी संस्था चलाना बड़ी बात हो जाती है और आज स्टूडेंट 12 महीने की उस पढ़ाई को भूल के दूसरे स्कूलों में जा रहा है। सरकार भी ऐसे कई ऐसी वो चला रही है योजनाएँ कि सरकारी स्कूल के साथ जुड़े बच्चे, तो इससे प्राइवेट स्कूल का जो नुकसान होगा उसको कैसे भरपाई की जाए? देखिए, सरकार की दोगली नीति है, एक तरफ तो सरकार जो है सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों को नामांकन बढ़ाने की कहती है कि बच्चों का नामांकन बढ़ाओ, विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाओ। दूसरी तरफ SLC वाला जो मुद्दा हमारे साथी जो उठा रहे थे कि सरकार की दो तरह की बातें, शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि SLC तो ज़रूरी है, विभाग के निदेशक कहते हैं कि बच्चों के हित में दाखिले करने ज़रूरी हैं, SLC ज़रूरी नहीं है। तो ये जो विरोधाभास जो बातें हैं, सरकार की दो तरह की जो बातें हैं, ये सरकारी स्कूल के अध्यापक बरादर वो भी असमंजस में डालते हैं और प्राइवेट स्कूलों को तो इसका नुकसान होता ही है, क्योंकि ये तो देखने वाली बात है कि इनकी फीसें जो बकाई होती हैं, एक तो वो इशू होता है, कुछ जो है ना जेन्युइन इशू होते हैं उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। तो ये दो तरह की बातें जा करके बच्चों के साथ जो है ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। ये एक जो है ना स्कूल में जैसे आधार कार्ड लेकर के अध्यापक चले जाते हैं वहाँ एडमिशन कर लेते हैं विदाउट SLC कर लेते हैं, दूसरे दिन कोर्ट में चले गए उनका नतीजा आएगा तो उनके साथ क्या होगा, वो भविष्य के गर्भ में है। अगर कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया कि भाई आपने बिना SLC के क्यों कर लिया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये जो दोगली नीति है सरकार की, ये जो है ना है नहीं तो क्लियर होना चाहिए कि विदाउट SLC होगा या नहीं होगा, एक तरह का फैसला सरकार को लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। जोगिंदर सांगवान जी ने एक बड़ा दूसरा बात अभी मुद्दा उठाया था कि जुलाई में स्कूल खुलने चाहिए, जबकि सरकार और दूसरी जितनी भी एजेंसियां सरकार की वो कह रही हैं कि आने वाले वक्त में तीसरी जो लहर है कोरोना की वो दिखाई देगी और सबसे बड़ा इफेक्ट उसका जो पड़ेगा वो बच्चों पर पड़ेगा, छोटे बच्चों पर। तो फिर कहीं ना कहीं सरकार भी जिस तरीके से स्कूलों को बंद किए बैठी है उसका बड़ा रीज़न ये हो सकता है क्या कि कोविड की तीसरी लहर से डरे बैठे हैं कि बच्चों पे इफेक्ट पड़ गया तो देश का जो युवा है या फिर जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा? देखिए कि कोविड का असर हर जगह होना है, सिर्फ विद्यालयों पर ही नहीं होता। बस में जो है ना अगर मान लिया 52 सवारी चल सकती हैं तो क्या विद्यालय में जो है ना कोरोना आ जाएगा और बस में नहीं आएगा? हर मॉल खोल दिया गया है, वहाँ जो है गैदरिंग जहाँ भी होती है कोरोना तो वहीं बढ़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि जितनी सावधानी स्कूल में जो है ना अध्यापक रख सकते हैं या प्रबंधक रख सकते हैं, इतनी व्यवस्था
कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकती, ना तो किसी मॉल में हो सकती, ना किसी बाज़ार में हो सकती, और ना ही सरकारी बसों में इतनी कर पाते हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ जो है ना वो हो रहा है। ये तो जब सारी चीज़ें खुली हुई हैं, जहाँ हर जगह गैदरिंग हो रही है, तो विद्यालय में क्यों नहीं भेजा जा रहा बच्चों को? विद्यालय खुलने चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। पिछले जो है ना दो सेशन जा चुके हैं बच्चों के, और सरकार जो है ना ऐसे ही सर्टिफिकेट जो है ना बांटने का काम कर रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे। जोगेंद्र सांगवान जी से एक सवाल ले लेता हूँ। प्राचार्य हैं, टीचर हैं, और गुरु का एक नाता जो स्टूडेंट के साथ, शिष्य के साथ होता है, वो माता पिता और बच्चे वाला ही हो जाता है। तो लोग जिस हिसाब से डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, वो बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो सकता है, बीमारी उसे घेर सकती है कोविड, तो क्या एक गुरु को यूँ नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपना जो भला है, अपना हित है, उसको छोड़कर बच्चे के हित में सोच रहे हैं? दूसरी तरफ अभी जो बीओ साहब ने ये बात कही है कि पढ़ाई तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा अगर स्कूल आया और भीड़ के रूप में अगर वो बीमारी से घिर गया, तो क्या टीचर को ये नहीं लगता, गुरु को नहीं लगता कि उसका शिष्य अगर कहीं ना कहीं बीमारी में फंस गया तो ये गलत हो सकता है? बात सही है कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे नज़दीक हैं। जितनी पेरेंट्स उसकी केयर रखता है, उससे कहीं ज़्यादा हम स्कूल में उसकी केयर रखते हैं बच्चे की। और गैदरिंग में अगर आना चाहे बच्चा, अब देखो मॉल खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, क्या वो बच्चे मतलब बाज़ार में नहीं जाते? क्या वो बच्चे मॉल में नहीं जाते? माना कि वो बच्चे घर पे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स हैं वो भी तो बाहर जाते हैं। अब बीमारी आनी है तो उनके थ्रू भी आ सकती है। दूसरी बात, जितनी बच्चा एक शिक्षक की बातें को मानता है, उतना शायद मेरे हिसाब से पेरेंट्स की बात को नहीं मानता। अब स्कूल में बच्चा पीछे भी लगे हुए हैं, स्कूल बीच में 3-4 महीने कोरोना काल के दौरान भी स्कूल लगे हैं पहली लहर के बाद, तो उस टाइम भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सेफ्टी से आते थे। बसों में भी हम उनको सैनिटाइज वगैरह करके रखते थे, मेन गेट के ऊपर भी सैनिटाइज होता था, हर बच्चा मास्क पहन के रखता था, तो हर चीज़ है वो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब बच्चा स्कूल में आने से कोरोना फैल जाएगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा वो नहीं है। यादव साहब से मैं सवाल ले लेता हूँ। क्या यादव साहब, अगर शुरुआत होती है दोबारा जुलाई से, तो किस प्रकार की हिदायतें जो रहेंगी स्कूल की, और किस प्रकार से बचा जा सकेगा, बच्चों को कैसे ध्यान रखा जाएगा कि वो बीमारी से ग्रसित भी ना हो और उनकी एजुकेशन भी सुचारू रूप से जारी हो सके? पहले तो जो है, जो SOP गवर्नमेंट जारी करती है, हम उसका पूरा पालन करते हैं। हर बच्चे का जो है गेट पर टेम्परेचर लिया जाता है, उनको जो है ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा सैनिटाइज किया जाता है, और कक्षाओं में भी जो है ना उनको प्रत्येक बच्चे को अलग अलग बेंच पर बैठाया जाता है, साथ में मास्क पर जो है ना पूरी शक्ति रखी जाती है, और हर प्रकार से जो है ना पानी वगैरह बच्चों को घर पर मंगवाया जाता है, बहुत अच्छे से जो है ना उनका मैनेज किया जाता है। और पिछले साल भी हमने इसी प्रकार से किया था, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर आगे भी गवर्नमेंट खोलती है तो हम जो है ना पूरा प्रिकॉशन रखेंगे, और जो है ना किसी बच्चे को कोई तकलीफ जी। और बड़ी बात मैं अब कर लेता हूँ, 10th का जो रिज़ल्ट आया, 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आया, उसे लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई। अध्यापकों के मन में भी कहीं ना कहीं उस बात की टीस है कि जिस बच्चे को पढ़ाया, उस बच्चे को जो नंबर मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, जो उसका रिज़ल्ट आया है वो भी 100% है, और जिस बच्चे ने कम पढ़ा है उसको भी 100% मार्क्स मिले हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उनका भविष्य गर्त में जा सकता है। और बड़ी बात होती है, परीक्षा भी मूल्यांकन का एक हिस्सा है, तो मैं चर्चा करूँगा। क्या कहेंगे, जिस तरीके से बच्चों को सबको बराबरी तोल दिया गया है, कोई कह रहा है ये गलत है, कुछ बच्चे जो ये मान रहे हैं या पेरेंट्स भी ये मान रहे हैं कि बच्चों के साथ ठीक हो गया। सर देखिए, ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। बच्चे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे, वो चाहे ऑनलाइन के लिए हो चाहे कैसे भी हो, बच्चों का मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए था। ये मूल्यांकन जो बोर्ड ने किया है, इससे पेरेंट्स भी असंतुष्ट हैं, बच्चे भी असंतुष्ट हैं, और टीचर्स भी असंतुष्ट हैं जी। क्या मानना है करण सिंह जी, आप तो शिक्षा अधिकारी रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे पहले भी हमने बात की थी, उसके साथ साथ अब ये जो रिजल्ट निकला है, इस पर क्या कहें? बोर्ड ने जो रिजल्ट तैयार किया है, ये बच्चों का मूल्यांकन ही हुआ। इसमें जो बच्चा डिजर्व कर रहा था वो जो है ना पिछड़ गया है। सबका एक जैसा रिजल्ट तैयार करके सरकार ने ये दिखा दिया है
कि यहाँ तो होशियार और कमज़ोर सब एक जैसे ही हैं, सभी को बराबर मान के चल पड़े। जो बच्चा इतनी मेहनत करता था, इतनी लगन से पीछे ही कक्षाओं में पास करता हुआ है, और एक नॉर्मल सा जो बच्चा था जो क्लास पास करता रहा, या किसी वजह से सरकार की जो नीतियाँ हैं जैसे आठवीं कक्षा तक फैल ही नहीं करते, और दो साल का ये मामला मिल गया। दसवीं में ऐसे ऐसे बच्चे आ गए जिनके 100% तो अंक हैं और शायद मेरे ख्याल से उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी आ गए क्योंकि पॉलिसी जैसी है, आठवीं तक फेल नहीं करना। नौवीं में कोरोना आ गया, दसवीं में फिर सूत बैठ गया था, तो दो साल जो है ना कोरोना में चले गए और उनके अंक 100%। तो उस बच्चे के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। वो कहीं जा कर के अगर एडमिशन लेगा जहाँ मेरिट से एडमिशन होते हैं तो प्रियोरिटी बेस पर उसको लिया जाएगा। 100% का बच्चा अगर मान लिया एडमिशन हो गया तो कहाँ कामयाब हो पाएगा, पहले साल फेल हो जाएगा, पेरेंट्स दोबारा कहेंगे आग भाई इस बार और तू कोशिश कर शायद बात बन जाएगी। तो मैं यूँ मानता हूँ कि अगर वो मीडियम सा बच्चा था ना, वो भी जो है ना अपने भविष्य को जो है ना वो साकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी दिशा ही बदल जाएगी। अच्छे अंक जो बोर्ड ने दे दिए हैं उसमें हर माँ बाप लालच करता है कि भाई इसका मैं फ़ायदा उठाऊँ, और वो गलत तरीके से जो है ना फ़ायदा उठाया जाएगा तो बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाएगा। वो अपना खुद का फैसला करता मुझे क्या बनना है, उसके ऊपर जो चीज़ थोपी जाएगी तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, मेरा ये मानना है। मैं संगवर साहब से भी पूछ लेता हूँ, क्या इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा सही पढ़ता था और कंपटीशन की भावना जरूर पैदा की जाती है टीचर के द्वारा कि ज़्यादा अंक आप लोगे तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, ऐसे ऐसे आपको और भी पुरस्कार मिलेंगे, जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर उससे पुरस्कार मिलते हैं जो फर्स्ट आता है, और पहले स्थान पर आने के लिए बच्चा बड़ी मेहनत भी करता है। तो अब जो बच्चे बराबरी पे आए हैं, जो बच्चा होशियार था और उसके बराबर जो बच्चा डल था उससे भी बराबर के अंक मिले, इससे हीन भावना भी आने का खतरा है? देखो, हीन भावना आने का खतरा नहीं, हीन भावना तो आई ही है बच्चों में। अब जिस बच्चे ने पूरी साल इस मेहनत में लगाया कि भी मैं क्लास में फर्स्ट नंबर लेके आऊँगा, मेरे 100% मार्क्स आएंगे, अब उसने बेचारे ने अपनी तैयारी की, और एक बच्चा जो उससे कमज़ोर था, जो डेली टीचर्स उसको समझाते थे, पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते थे, उसकी पिटाई भी करते थे, क्लास में खड़ा भी करते थे, जो भी करते हैं टीचर्स, अब उस बच्चे की भी उसके बराबर अंक आ गए, तो उसमें इन भावना तो अपने आप पैदा ही हो गई कि भी मैंने पूरी साल मेहनत की, मेरे हर टेस्ट में, हर उस जो वीकली टेस्ट होते हैं स्कूलों में, मंथली होते हैं, उसमें मेरे पूरे मार्क्स आए, और जो बच्चा दूसरा जो बच्चा था वो कमज़ोर था, उसके भी उतने ही मार्क्स आए, तो उसमें ऑटोमेटिक एक हीन भावना तो पैदा होती ही है बच्चे में। राजेंद्र यादव जी, क्या दुष्परिणाम रहेंगे इस चीज के आने वाले वक्त बच्चे की ज़िंदगी पर और बच्चे के पेरेंट्स पर भी? लेकिन ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एक मजाक है बच्चों के साथ, क्योंकि जब हम देखते हैं पीछे के बोर्ड के रिजल्ट तो उनमें एक बच्चे का या दो बच्चे का 100% मार्क्स होते थे, आज बोर्ड ने जो है ना 60,000 बच्चों के 100% मार्क्स जारी कर दिए, तो ये सीधा सीधा जो है ना एक गलत प्रक्रिया है और सही ढंग से एवेलुएशन नहीं है बच्चों का। और दूसरा जो है बच्चे डीमोरलाइज होंगे, जो बच्चे अच्छे पढ़ते थे जिनको अलग से कुछ करने की जो है उनको जुनून था, कहीं ना कहीं उनको चोट लगी है, और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन ज़्यादा नंबर भी मिले हैं जिनको पढ़ाई कम थी या कम पढ़ते थे या जो कमज़ोर बच्चे थे, तो ये बढ़िया रिजल्ट नहीं है, बच्चों को इसका नुकसान होगा। जब से मोदी सरकार आई है तब से डिजिटल पर जोर जो दिया गया है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, और वही लागू हुआ है अब कोविड को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में। पहले काफ़ी कोचिंग जो होती थी वो ऑनलाइन के रूप में बच्चे स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे बड़े हो जाते थे और स्कूली शिक्षा है उसको क्रॉस करके वो कॉलेज की तरफ चले जाते थे, उनका जो एज ग्रुप है वो बड़ा हो जाता था। अब इसका क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या एक अध्यापक फेस टू फेस बच्चे को पढ़ाए उससे अच्छी जो रिजल्ट मिल सकते हैं, या ऑनलाइन पढ़ाए तो उससे बच्चा किस प्रकार से उसे मानता है, समझता है, या क्या रहता है उसका, क्या देखा आपने? देखिए, फेस टू फेस पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी डिफरेंस। अब बच्चा मोबाइल लेकर बैठ तो जाता है, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादातर ये शिकायतें आती हैं कि सर जब तक हम रहते हैं तब तक बच्चा पढ़ता रहता है, बाद में मोबाइल में गेम खेलता है। दूसरा यह है कि मोबाइल को लेकर के बच्चों का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया है,
पेरेंट्स की बार बार ये शिकायतें आती है फ़ोन पे कि सर बच्चा मानता नहीं है, इसको एक बार समझाना, आप इससे बात करो। तो एजुकेशन, ये जो डिजिटल एजुकेशन की जो सिस्टम आया है, इससे बच्चा 9 से प्लस 2 का जो बच्चा है वो तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है, बाकी प्राइमरी क्लासेस और मिडिल क्लासेस के बच्चे बिल्कुल भी इससे नॉलेज प्राप्त उनको नहीं हुआ। क्या कहेंगे कर्ण सिंह जी, आपने पहले भी बोला है इसके बारे में, अब दो शब्दों के रूप में कि ऑनलाइन एजुकेशन से कितना ग्राफ गिरेगा, क्या रहेगा? ऑनलाइन एजुकेशन का मेरे हिसाब से ग्रामीण परिवेश में तो खास करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है सिंसियरली कोई काम नहीं कर पाते, पेरेंट्स जो है इतने पढ़े लिखे नहीं होते, और जो काम दिया जाता है उनको पास में बैठ के नहीं करवा सकते, तो बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल लेकर के उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते रहते हैं, और न ही बच्चा अनुशासन में रहता है। बच्चा अध्यापक के सामने होता है तो अनुशासित भी रहता है वो, और जो काम बताया जाता है अगले दिन अध्यापक पूछता है दिखाओ किया गया नहीं किया गया। ऑनलाइन शिक्षा में इतना नहीं बन पाता, उसमें सिर्फ एक, मैं पहले भी मैंने बताया था कि एक जरिया है सिलेबस पूरा करवाने का, कि भी ये कहा जाता है कि भी हमने इस कक्षा का सिलेबस करवा दिया, उसके वीडियो डाल दिए और हमने जो है ना वो पूरा करवा दिया है। मेरा ये मानना है कि इसमें जो है ना 20% भी बच्चों का फ़ायदा नहीं होता, और जो आमने सामने टीचर बैठ के क्लासरूम में जो पढ़ाई करवाता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, और बच्चे भी जो है ना ठीक से समझ पाते हैं। बच्चों पे एक थोड़ा सा अध्यापक का साइकोलॉजिकल जो है ना दबाव भी होता है, जिससे वो अच्छी मेहनत भी करते हैं और कंसंट्रेट भी रहते हैं वो, तो ऑनलाइन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता ज़्यादा। जोगेंद्र सांगवान जी, आपके स्कूल के द्वारा भी ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दी गई होगी, क्या उस चीज़ की आपने कौन से देखे हैं बच्चों में, किस प्रकार से बच्चों तक वो चीज़ पहुंच पाई, क्या स्कूल जो पहुंचाना चाहता था आप एज ए टीचर, आपने भी जो समझाना चाहा, क्या वो समझ पाए और ऐसा रिजल्ट मिला? ऑनलाइन एजुकेशन कोविड काल जो था उसमें एक ज़रूरी माध्यम हो गया शिक्षा देने का, क्योंकि स्कूलें तो बंद थे, लेकिन जितना बेनिफिट हम सोच रहे थे स्कूल वाले, उतना बेनिफिट मिल नहीं पाया। अब उसमें भी दो रीज़न हैं, एक तो बच्चे जो हैं जब तक पेरेंट्स हैं, जैसे दिया सर ने बताया, जब तक पेरेंट्स हैं तब तक तो पढ़ते हैं वो, उसके बाद गेम वगैरह खेलते हैं। दूसरा, जब भी हम कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब से डाउनलोड करके भेजते हैं या बना के भेजते हैं, तो जब बच्चा यूट्यूब चलाता है तो हम भी जब चलाते हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ इस तरह की एड वगैरह आती है जो बच्चे की मानसिक स्थिति है, उसका सोचने की शक्ति है, उसको बार बार उसका ध्यान है उसको चेंज करती है, मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान डाइवर्ट उसका उसकी तरफ हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि वो बच्चा है वो बुरी संगत है, बुरी वीडियो देखना, गेम खेलना, तो इस तरह से उस, मतलब हमारे जो समाज है उस समाज से हटके भी काम हो रहा है। तो यादव साहब, कहीं ना कहीं बच्चा जितना शिक्षा लेना चाहता था उसके बजाय उसने गलत शिक्षा ग्रहण कर ली ऑनलाइन एजुकेशन से, आपका भी यही मानना है? जी बिल्कुल, जो है हमारे ग्रामीण एरिया में काफ़ी समस्याएं हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। एक तो डेटा की प्रॉब्लम है, हर जगह नेटवर्क नहीं होता है। दूसरा, फार्मर्स के बच्चे हैं हमारे पास, तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी अवेलेबल नहीं होता है, तो कई प्रकार की परेशानियां हैं। तो जितना रिजल्ट चाहिए था उस प्रकार का रिजल्ट ऑनलाइन में नहीं आ रहा। लास्ट सवाल, अगर अब सुचारू रूप से प्रक्रिया आगे बढ़ती है और आने वाले वक्त में बच्चे दोबारा स्कूल को लौट आएं, तो कैसे उस गैप को, उसकी भरपाई की जा सकती है जो 2 साल का गैप? सर ये देखिए, हम ये मानते हैं, एक तो हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खोल दिए जाएं। दूसरा ये कि जो स्कूल का जो टाइमिंग है, जैसे अब लगभग 6 घंटे होता है, तो 6 की बजाय सरकार उसको 8 करके पिछले साल की भरपाई भी हो जाए, अब ये जो 2 महीने निकले हैं इसकी भरपाई भी होती रहे, ये हम यही सरकार को एक सुझाव देना चाह रहे हैं। जी, जैसे कि आप तो पहले अधिकारी रहे हैं, तो टीचर्स के लिए टाइम टू टाइम कुछ कैंप लगते हैं नई एजुकेशन के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ उसे जोड़ने की कोशिश की जाती है, आने वाले वक्त में किस प्रकार से नए कैंप या फिर अध्यापकों को किस प्रकार से तैयार किया जाए कि इस 2 साल के गैप को भरा जा सके? देखिए, समय समय पर जो है ना शिक्षा विभाग ट्रेनिंग देता है, SCERT गुड़गांव है वहाँ से जो है ना मास्टर ट्रेनर तैयार होकर के आते हैं, और ब्लॉक लेवल पे या ब्लॉक में जो है ना 2-3 जगह अध्यापकों को ट्रेनिंग जो है ना दी जाती है अलग अलग स्कूलों में बांट करके। जो भी नई जो है ना चीज़ आती है
कुछ जो है ना पढ़ाने के लिए कुछ तो अलग से तरीके जो आते हैं वो मास्टर ट्रेनर ट्रेनर द्वारा टीचर्स को दिए जाते हैं ताकि वो आगे लागू कर सकें। तो पिछले समय में तो ऐसा हुआ ही नहीं, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई। तो मेरा ये मानना है कि वैसे ही लेट चल रहा है अब तो, इस साल तो पीछे की जो है ना लेट निकाल करके ट्रेनिंग वगैरह का शेड्यूल जो है ना बाद में कर लिया जाए, जो बच्चों की पीछे ही कमियाँ रही हैं। पिछले साल की जो पढ़ाई का अंतर रहा है, क्योंकि पिछली बार सरकार ने सिलेबस भी कम कर दिया था और उस सिलेबस का भी पेपर न लेते हुए उसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया। तो मेरा ये मानना है कि पीछे के सिलेबस को भी लेकर के समय बांट करके भी 3 महीने जो है ना पीछे के सिलेबस को कवर करवाया जाए और बाकी जो बचा हुआ समय है अगले साल के करके, ताकि बच्चों का संतुलन सा बन जाए। क्योंकि इतनी लेट देखो 2 साल का 1 साल में काम तो नहीं हो पाता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है अगर सरकार की सही और अध्यापकों की मंशा सही है तो। हमेशा बच्चे को जो कहा जाता है वो कच्चे घड़े के समान कहा जाता है और उसे पकाने के लिए लगातार एक कुंभकार की भांति एक अध्यापक लगा रहता है। तो क्या जो बीच में गैप आया है उसके दौरान जैसे मौसम की मार माने उस मटके पर पड़ गई है, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? जो लेजीनेस बच्चों के अंदर आया है और दूसरी प्रवृत्तियाँ उनके अंदर आ गई हैं, तो वह क्या दोबारा ढाल पाएंगे? जो छोटे बच्चे हैं इस चीज़ का सबसे बड़ा असर छोटे बच्चों भी ज़्यादा बड़ा है। अब जो 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे हैं, जब वो दोबारा से स्कूल में आएंगे तो उनको स्टार्टिंग से ही कमी करवाना पड़ेगा। अब वो समय है उस समय को निर्धारित करके कि इस टाइम में इनका सिलेबस भी करवाना है उस क्लास का, लेकिन कुछ समय एक्स्ट्रा दे के, तभी तो दैया साहब ने बताया कि 2 घंटे स्कूल का टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि हम पीछे का जो भूल गए बेचारे वो उनको हम साथ साथ कवर करवा सकें। अब जो चीज़ 2 साल का गैप हो गया बच्चे के अंदर, तो उस गैप को पूरा करने के लिए समय लगेगा, लेकिन उस गैप को हम सभी टीचर्स के सहयोग से पेरेंट्स के सहयोग से हम उस गैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी जोड़ के चलना पड़ेगा अब इस गैप को भरने के लिए, आपका क्या मानना है यादव सर? बिल्कुल, जो है पेरेंट्स का भी सहयोग हमें चाहिए होगा और जो भी बच्चों का नुकसान हुआ है उसमें हमारे जो अध्यापक हैं पूरे जो है ना मेहनत करके उस चीज़ को करवा देंगे। जी आपने अभी देखा हमारे साथ जुड़ चुके थे ढिगावा क्षेत्र के बड़े स्कूल हैं, बड़े नामी स्कूल हैं और यहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं उन्होंने पूरे हरियाणा के साथ साथ हिंदुस्तान में अपना परचम लहराया है। यहाँ से खिलाड़ियों के साथ साथ बड़े ऑफिसर्स भी निकले हैं इन स्कूलों से और आज उन स्कूल वाले संचालकों की बात करें, प्राचार्य की बात करें, शिक्षकों की बात करें, हर कोई चिंताग्रस्त है और चिंता लाजमी है क्योंकि अगर बच्चे को जो ये शिक्षा प्रोवाइड करवाते थे उस शिक्षा उस तक नहीं पहुँच पा रही सही ढंग से, तो एक अध्यापक एक पेरेंट्स की भांति चिंता जरूर करेगा और इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार क्या सोच रही है वो भी देखने को बनता है। अब जुलाई हो चुकी है और जैसे कि यहाँ पर शिक्षा अधिकारी और दूसरे जितने भी यहाँ पर स्कूल के संचालक जुड़े थे उन्होंने बताया कि दूसरे जैसे बसों की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बाजार की बात करें, सब जगह भीड़ है, दोबारा से पटरी पर लौट आया है जनजीवन, तो क्यों ना एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों को खोला जाए। आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को किस प्रकार से आप आने वाले वक्त में पढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई को दोबारा से पटरी पर कैसे लाया जा सकता है कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय।